हेलो एवरी वन, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एडुकेटर दीक्षा शर्मा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि NFSU ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट करी है। सो अभी हम हैं NFSU के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड हमें वो इम्पोर्टेंट अपडेट कहाँ मिलेगी? एडमिशन ओपन पे। जैसे ही आप NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आपको एडमिशन ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिशन ओपन पे क्लिक करेंगे, एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। इस नए वेब पेज में यहाँ पे आपको न्यू अपडेट देखने को मिलेगी, जिसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2024-25 फॉर विच द डेडलाइन हैज़ बिन एक्सटेंडेड अप टू 10th June 2024। ओके, सो पहले जो डेडलाइन थी वो मई एंड तक थी, जो कि अब एक्सटेंड हो गई है 10th June तक। पहले से 30-31 मई तक ही एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अब NFSU ने अपने नए अपडेट के साथ इस डेट को एक्सटेंड करके 10th June कर दिया है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हुई है। तो इसके लिए आपको ये PDF देखनी पड़ेगी। इस PDF को हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, PDF ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट इज एक्सटेंडेड अप टू 10th June 2024। सो अब डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो स्टूडेंट्स हैं 10th June 2024 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं ये देख लो। सबसे पहले तो आप PhD प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हो। PhD प्रोग्राम्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के लिए, तो आप 10th June तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे जो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं हर एक कैंपस के लिए। इसके अलावा स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस में MSc मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स, MA कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, PG डिप्लोमा इन फिंगरप्रिंट साइंस, PG डिप्लोमा फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, PG डिप्लोमा क्राइम सीन मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा DNA फॉरेंसिक्स, PG डिप्लोमा फॉरेंसिक जर्नलिज्म, ये ऑनलाइन मोड होने वाला है, PG डिप्लोमा फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स। तो ये सारे के सारे कोर्सेस में आप 10th June 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्कूल ऑफ लीगल साइंसेज, लीगल मेडिसिन। नेक्स्ट जो स्कूल है वो है स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज। तो आप डिप्लोमा इन फॉरेंसिक आर्कियोलॉजी कर सकते हैं, 10th June तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कूल इज स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, जिसमें PG डिप्लोमा सेमीकंडक्टर सिक्योरिटी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, PG डिप्लोमा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कूल इज स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आप MSc नैनो टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, MSc फूड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, MTech सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्कूल है वो है स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज, तो MSc होमलैंड सिक्योरिटी, MA पुलिस एंड सिक्योरिटी स्टडीज, PG डिप्लोमा सिक्योरिटी स्टडीज, PG कैनाइन फॉरेंसिक्स, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 10th June तक। ठीक है, इन सब के लिए डेट एक्सटेंड हुई है। नेक्स्ट स्कूल इज स्कूल ऑफ फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज, स्कूल ऑफ लॉ, LLB ऑनर्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, PG डिप्लोमा साइबर लॉ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, PG डिप्लोमा ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज लॉ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कूल इज स्कूल ऑफ बिहेवियरल फॉरेंसिक्स, PG डिप्लोमा इन साइबर साइकोलॉजी, PG डिप्लोमा इन इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी, इस पे आप डिप्लोमास कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कूल इज स्कूल ऑफ फार्मेसी, तो MPharm फॉरेंसिक फार्मेसी, MPharm फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, MSc chemistry, MSc environmental sciences, MSc pharmaceutical chemistry, PG diploma industrial safety, hygiene and environmental management, इन सारे के सारे courses के लिए अब आप apply कर सकते हैं 10th June 2024 तक। तो इन सारे courses के लिए जो date है, जो last date है application की, वो extend कर दी गई है। आप इस QR code को scan करके भी apply कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है that last date to apply is 10th June 2024। आप nfsu.mha.gov.in पे भी क्लिक करके या इस वेबसाइट को ओपन करके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी के लिए क्लियर है कि कौन कौन से वो स्कूल्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें NFSU अभी एडमिशन्स ओपन रख रहा है 10th June 2024 तक। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट था सभी के लिए कि लास्ट डेट है वो जो 10th June तक एक्सटेंड हो रही है, और कौन कौन से कोर्सेज के लिए एक्सटेंड हो रही है, कौन कौन से कैंपसेस के लिए एक्सटेंड हो रही है। तो ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है।